राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 20वीं क्लास में हम सीखेंगे इनर वाले सूट की कटिंग करना। जो सिंपल बेसिक था वो मैंने आपको सिखा दिया है, जैसे कि सिंपल सूट, सलवार, प्लाजो, पैंट, ये मैंने सिखाने के बाद अब हम आगे अस्तर वाला सीखेंगे कि अस्तर वाले की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये मेरे पास इस तरह का सूट है और इसकी जो इसका इनर है वो अस्तर को मैंने पहले वॉश किया है, धो लिया। इसको धोने के बाद अच्छे से इस पर प्रेस लगानी है। आपको भी ऐसे ही करना अगर आप इनर वाले सूट की कटिंग करेंगे। और जो भी मैंने आपको क्लासेस सिखाई हैं उसके बारे में आपको कमेंट जरूर करना कि आपने कैसा सीखा और क्या समझ में आया उसमें से, क्या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर किया करें। क्या कि मैं आगे के आगे क्लासे लेके चलूँ और आपके ना समझ में आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको समझ में आए अच्छे से तो आप कमेंट किया करो। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और हाँ, कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये बेसिक कोर्स में आपको कुर्ती की कटिंग सिखाई थी, वो मेजरमेंट के हिसाब से सिखाई थी कि जैसे मैंने अपना बॉडी का मेजरमेंट लिया, आप भी लोगे तो मैंने उसमें आपको हैवी साइज़ के बारे में नहीं बताया। तो मैं जो ये सूट कटिंग करूँगी तो इसमें मैं हैवी साइज़ के बारे में भी बताऊँगी। जैसे कि मेरे पास कमेंट भी आया था सब्सक्राइबर का, कहते हैं कि पेट बड़ा है और उसमें पीछे की तरफ हम डाट भी डाल लेते हैं तो इसकी फिटिंग नहीं आती हमारी कमर की यहाँ से, क्योंकि पेट बड़ा है ना तो हम यहाँ से लूज़ करेंगे तो सारा ही खुला होएगा। तो मैं आपको यही इसमें ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपका पेट बड़ा भी है तो उसकी फिटिंग कैसे करें कमर से। तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से कंधे से लेके हम जितना हमारा पेट बड़ा है तो वहाँ तक कि हम इसकी लंबाई मापेंगे इस तरह से। ये नहीं है, एक होता है पेट जैसे कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक है बड़ा हुआ पेट लटक रहा है तो उसका मेजरमेंट अलग होगा। ये जो पेट बड़ा हुआ है ना तो उसका मेजरमेंट ये देखें, आपको ना यहाँ तक देखना है कि हमारा पेट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से बड़ा पेट है तो यहाँ तक की लंबाई ले ली तो इसको आपको लिख लेना है कि कहाँ तक ये लंबाई थी। अब इसके बाद आपको यहीं से ही हमें जहाँ से लंबाई ली है वहाँ से हम पेट की इस तरह से नाप लेंगे, आप नाप लेंगे ऐसे। अब देख सकते हो ये जो मेरे सूट की सिलाई है, मैंने इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐसे ही इंची टेप को लगाया है। आप चाहो तो राउंड में भी ले सकते हो, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका ही बता रही हूँ, आपके लिए बहुत ईजी होगा इस तरह से लेना। तो आप नाप इस तरह से लेके और इसमें यहाँ पे 2 से 2.5 इंच की लूजिंग दे सकते हो। ये आपको अलग नाप लेना है तो आपकी जो ये कमर वाली फिटिंग है ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कमर की फिटिंग सेम आएगी और यहाँ से भी लूज रहेगा। तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लूज करोगे तो नीचे से भी लूज और ऊपर से भी लूज है, आपकी फिटिंग अच्छी आएगी इस तरह से। तो मैं आपको ये कटिंग करते वक्त भी आपको बताऊँगी कि मैं कैसे निशान लगाऊँगी ये पेट का भी। तो चलिए आप कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इनर को 4 होल्ड में बिछा लिया है, बैक और फ्रंट को इकट्ठा ही कटिंग करेंगे और जो भी हमें फिटिंग के निशान लगाने होते हैं वो इनर पे ही लगाएंगे, सिर्फ हम जो मेन फैब्रिक है उसको इनर के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो पहले ऊपर से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, जो भी ऊपर की तरफ आडा टेढ़ा है उसको निकाल देंगे इस तरह से और इस लाइन से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने जो सूट की लंबाई है वो भी 40 इंच रखनी है और इनर की लंबाई है वो भी 40 इंच ही रखेंगे, क्योंकि इनर को भी हम फोल्ड करेंगे और जो इसकी प्रॉपर लंबाई है वो 40 ही रहेगी। अगर आपको नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है तो आप उसमें एक्स्ट्रा लें कपड़े में। अब यहाँ से लंबाई के निशान को भी सीधा कर लेंगे। पहले सीधा करने के बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो तीरा इसमें मैं रखूँगी 6.5 इंच, 13 13 घाप करेंगे तो 6.5 इंच और यहाँ से मुड्डा लेंगे हम 7.5 इंच। तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया, एक निशान इस तरह से लगा लेंगे सामना देखने के लिए और यहाँ पे इसमें मैं टक्स डालूंगी तो टक्स की जो लंबाई है इसकी वो है 11 इंच तो हम लगाएंगे 11.5 इंच पे। तो एक निशान मैंने 11.5 इंच पे लगाया, कमर का निशान है वो लगाऊंगी मैं 15 इंच पे और जहाँ से हम चाक ओपन रखते हैं उसका निशान मैं लगाऊंगी यहाँ पे 21.5 इंच पे। सेम यही निशान इस तरफ भी लगाएंगे भी, निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। अब यहां से देखिए, जैसे मैंने आपको पेट के मेजरमेंट के बारे में बताया था, अगर आपके पास पेट का मेजरमेंट नहीं है, आप सिली हुई कुर्ती से मेजरमेंट लेके और कुर्ती की कटिंग कर रहे हो तो आप कमर का और हिप का सेंटर का निशान लगा ले, यहाँ पे सेंटर का निशान लगा के और यहाँ पे आप जो भी आपका पेट का साइज है चौड़ाई में तो उसका निशान लगा ले, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे तो वो भी हम 6.5 इंच लेंगे जितना मैंने तीरा रखा है
और यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। ऊपर की तरफ से हम 1 इंच कंधे को डाउन करेंगे और यहाँ से जितनी हम नेक की चौड़ाई रखते हैं, जैसे कि मैं 2.5 इंच रखती हूँ, तो 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से। तिरछा मिलाने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच इसे आगे की तरफ निशान लगाएंगे बैक आर्मोल के लिए और इसको भी तीरे के निशान से इस तरह से मिला देंगे। ये सभी साइज में नॉर्मल है या हैवी साइज है, तो जैसे कि 48-44 चेस्ट है तो उसमें हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे इसको आगे की तरफ। अगर इससे भी ज़्यादा है, 52 चेस्ट है जैसे कि 52 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे और इसका भी हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। ऐसे सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम पहले चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट है जो मैंने इसके 3 से 4 नाप लिए हैं वो मैंने बॉडी से नाप लिए हैं, और जो हम मैं नीचे वाला हिस्सा का मेजरमेंट लूँगी वो मैंने इसके सिली हुई कुर्ती से लिया है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को जो सिली हुई कुर्ती देके जाते हैं वो कहते हैं भाई यही सेम बनानी है, वो उसको फिटिंग पसंद आती है, वो इस कुर्ती की फिटिंग है जो उसको पसंद होती है, तो हमें जो जिस माप में हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप से हम यही फिटिंग आपको दे देंगे, तो आप मेजरमेंट भी ले सकते हैं उसका। तो इसके मेजरमेंट में अपर चेस्ट जो आई थी 44, तो इसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे इनर वाले सूट में, तो आएगा 48। 48 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 12 इंच, तो यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। सेम 12 इंच ही यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 2.5 इंच। अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में फर्क है तो फिर हम यहाँ का चेंज करेंगे निशान को। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, कमर है 41, तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो होगा 43। 43 का चौथा हिस्सा कर लेंगे, 43 का चौथा हिस्सा आएगा 11.5 इंच। और यहाँ पे मैंने टैक्स डालनी है तो 1 इंच मैं डाट के लिए ले लूँगी और इसे आगे की तरफ मैं मार्जिन के लिए लूँगी 2 इंच कमर पे। टोटल मैंने टैक्स का लेके 3 इंच लिया है। यहाँ पे हिप है 27, तो ये नाप मैं आपको कुर्ती का बताऊंगी, आप नाप बताऊंगी, तो 27 हिप है तो उसका हाफ करेंगे तो 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे तुरपाई फोल्ड के लिए 1.5 इंच लेंगे। अभी निशानों को मिला लेंगे, मार्जिन के निशान को मार्जिन के साथ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं आया कि हमें सूट के निशान लगाए हैं कि जो ये शेप आती है ना हमारी फिटिंग की, वो नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसका पेट बड़ा है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे टैक्स डालेंगे इसकी, तो तब इसकी फिटिंग आएगी। वैसे आपको फिटिंग नज़र नहीं आएगी, जब हम टैक्स डालेंगे और खुद कस्टमर डाल के देखेगा तब उसको लगेगा हाँ मेरी फिटिंग आई है। अब यहाँ पे हम टैक्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो ये निशान लगाऊंगी मैं 4.25 इंच पे। और यहाँ से जो टक्स की हम लंबाई लेते हैं वो कमर के निशान से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कमर के निशान तक मेरा आया 3.5 इंच, तो इसका हम डबल कर लेंगे और 7 इंच की टक्स डालेंगे फ्रंट में। यहाँ से भी 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जो ये मैंने 1 इंच लिया वो हम टक्स में डालेंगे, उसे 1 इंच की यहाँ पे टक्स डाल देंगे इस तरह से। ये मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना, आपको इसमें जो मैं बता रही हूँ आपके बहुत ही काम आएंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये टक्स आएगी फ्रंट वाली। और यहीं पे हम जो हम साइड वाली लेते हैं इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखूँगी, और आर्मोल वाली टक्स होती है उसकी भी 2.5 इंच ही रखेंगे। जो हम ये चौड़ाई रखते हैं सेम यही चौड़ाई यहाँ पर रखनी होती है। पहले इस टेक्स के हम बिल्कुल सेंटर से ये लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और इस टेक्स को हम कमर के बिल्कुल पास से लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम आर्मोल की शेप देंगे। तो इस तरह से देंगे, ये देखिए।
इधर से आएगी। अब यहाँ पे सेम हम पल्ले का भी निशान लगाएंगे, यहाँ से देख लेंगे कि ये कितना है। यहाँ पे ये आया है 15.5 में एक सूत कम, तो सेम नीचे पल्ले पे निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को मिला देंगे इस तरह से। अब पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हमें जो ये मैंने स्ट्रेट निशान लगाया तीरे का, इसके निशान पे कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक को मैं आपसे 1 इंच उठा के कटिंग करती हूँ। तो ये मैंने इनर की कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। अब जो मैंने आपको समझाना था वो इनर पे ही मैंने समझाया है, और मेन फैब्रिक पे सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि इनर के साथ कैसे कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े को मैंने बैक और फ्रंट को अलग अलग कर लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको जिस तरह से इसमें नेक बना हुआ है तो इसका सेंटर कर लेंगे ऐसे, या तो आप पिन लगा ले अच्छे से सेट करके बिछाएं। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। मेन फैब्रिक को बिछाने के बाद अगर आपके कमीज में ये सूट में इस तरह से नेक बना है, तो पहले आप नेक की लंबाई को माप ले कि आपको कितनी चाहिए नेक की लंबाई। जैसे कि मेरी में ये नेक है, जितना मैं उतनी लंबाई रख लूँगी। अब इसके ऊपर हम अस्तर को सेट करेंगे इस तरह से, जहाँ तक हमें लंबाई रखनी है वहीं तक सेट कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। और इसमें जो ये मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो शायद आपको ना नजर आए, तो इसको मैं सिलाई करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम उसको सेट करेंगे। तो मैं बिल्कुल इसके पास से ही कटिंग कर लूँगी अस्तर के। बिगनर है तो आप ही एक्स्ट्रा ही लेके कटिंग करें। तो ये मैंने कटिंग कर ली, सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी बिछा लेंगे और उसकी भी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को भी बैक को बिछा लिया है, अब इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें स्लीव के लिए कपड़ा बैक में से ही बचाना है, बैक पार्ट में होती है जो हमारी स्लीव उसी में से निकलेंगी, तो आपको उसमें से बचा के अब इसकी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे इनर पे कटिंग की है। अगर आपकी साइड से बाजू ना निकले तो आप मार्जिन को थोड़ा कम कर दें, जैसे कि मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है, आप 2 इंच भी 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी हम मार्जिन रख सकते हैं अंदर, बस इसे ज़्यादा और कम नहीं रखना। तो ये मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है, अब बाजू की कटिंग मैं आपको अस्तर पर ही दिखाऊंगी। तो ये मैंने इनर को ले लिया जो साइड से बचा था उसी में से मैंने लिया है, अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। आप फुल बाजू बना रहे हो तो फुल बाजू के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करें और उसके हिसाब से बचाएं। जैसे कि मैंने इसमें 7.5 इंच तक की बाजू तैयार रखनी है लंबाई में। पहले ऊपर की तरफ से हम यहाँ से देख लेंगे कहाँ तक हमारा जो 4 फोल्ड में है वो इक्वल है, तो वहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 7.5 इंच रखनी है मैंने लंबाई, और यहाँ पर ये 9 इंच तक है, और यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू को डाउन करने के लिए, और यहाँ से बेक सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे जितना हमें आर्म होल लिया था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे, जैसे मैंने 7.5 इंच लिया था तो 8.5 पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। मोरी बीच में मैंने 7.5 ही रखनी है, और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम आर्म होल शेप पर से शेप देंगे बाजू की। यहाँ से पहले हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको सेम मैं ऐसे ही मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लूँगी।
तो ये आज की क्लास में मैंने आपको इनर वाले सूट की कटिंग और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।